गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कक्षा सातवीं विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम लिंग और उसके दो प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चों, सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा जानेंगे। तो चलो अभी हम देखते हैं लिंग की परिभाषा क्या है। जिस शब्द से संज्ञा के पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे मुर्गा, अध्यापिका, बकरी, राजा आदि। तो बच्चों ये सारे क्या है? लिंग के उदाहरण है। यह सारे लिंग के उदाहरण क्यों है? क्योंकि बच्चों यहाँ पर मुर्गा और राजा यह पुरुष जाति के बारे में बता रहे हैं और अध्यापिका और बकरी ये क्या है? स्त्री जाति के शब्द है। तो हमने लिंग की परिभाषा में क्या देखा? जिस शब्द से संज्ञा के पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। इसलिए यह मुर्गा, अध्यापिका, बकरी और राजा यह लिंग के उदाहरण है। अभी हम लिंग के प्रकारों के बारे में जानकारी लेंगे। हिंदी में लिंग के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी में लिंग के दो प्रकार होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो अभी हम लिंग के पहले प्रकार यानी पुल्लिंग के बारे में जानेंगे। तो बच्चों चलो अभी देखते हैं पुल्लिंग की परिभाषा। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्या है? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, आदमी, बंदर, राजा आदि। ये सारे उदाहरण हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये सारे पुल्लिंग के उदाहरण हैं। अब हम लिंग के दूसरे प्रकार के बारे में जानेंगे। दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग। तो चलो अभी हम स्त्रीलिंग की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सीता, मछली, गाय, रानी आदि। तो ये सारे शब्द जो है वो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसलिए यह स्त्रीलिंग के उदाहरण है। तो बच्चों हमने पिछले बार संज्ञा की परिभाषा में देखा था कि वस्तुओं, स्थानों और भावों के नाम भी संज्ञा होते हैं, जैसे मंदिर और कमीज। तो ऐसे शब्द में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करना थोड़ा कठिन होता है। उनमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द की पहचान उनके वाक्यों में दिए प्रयोग को देखकर की जाती है। अभी चलो वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है मैंने आम खाया और दूसरा वाक्य है मैंने पेंसिल खरीदी। इन वाक्यों में आम पुल्लिंग शब्द है और पेंसिल क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो यह हमें वाक्यों में आए क्रियाओं से पता चला है, क्योंकि वाक्यों में आए क्रिया शब्द का प्रयोग लिंग के अनुसार होता है। जैसे यहाँ दिया है खाया। खाया क्रिया से पता चलता है कि वस्तु पुल्लिंग है। और दूसरा वाक्य में दिया है खरीदी। खरीदी इस शब्द से पता चल इस क्रिया से पता चलता है कि यह वस्तु स्त्रीलिंग है। अब हम आपके मदद के लिए नीचे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं, वह देखेंगे। सबसे पहला नियम यह है, अगर पुल्लिंग शब्द के अंत में अ या आ हो तो ई जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे दास। दास इस पुल्लिंग शब्द के अंत में
अ है। तो ये जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? दासी। वैसे ही दूसरा शब्द देखते हैं, लड़का। ये स्पुलिंग शब्द के अंत में आ है, तो ये जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? लड़की। तो दास का दासी, लड़का लड़की। तो अभी हम दूसरा नियम देखते हैं, पशु पक्षी बोधक अकारण संस्कृत, यानी पशु पक्षी के अंत में अ का उच्चारण हो तो उसमें भी नी जोड़कर उसका स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे मोर, मोर में अ का उच्चारण हुआ है तो उसमें नी जोड़ दिया तो मोर का क्या बन जाएगा? मोरनी। वैसे ही शेर में अ का उच्चारण हुआ है तो उसमें भी नी जोड़ने से क्या बन जाएगा? शेरनी। तो मोर मोरनी और शेर शेरनी। अगला नियम है, कई अकारांत यानी जिस शब्द के अंत में अ उच्चारण हो तो हिंदी शब्दों में आ जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द मिलता है। जैसे महोदय, महोदय का आ जोड़ने से क्या आएगा? महोदया। अभी हम चौथा नियम देखते हैं, जब पुल्लिंग शब्द व्यवसाय है तो अंतिम स्वर पर इन प्रत्यय लगने से स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे लोहार, लोहार यह क्या है? लोहार यह पुल्लिंग शब्द व्यवसाय है तो इस शब्द के अंत में इन लगाने से लोहार का क्या आएगा? लोहारिन। पांचवा नियम है, जब पुल्लिंग शब्द उपनाम बोधक है, उपनाम यानी सरनेम, तब अंत में आइन प्रत्यय जोड़ने से पुल्लिंग शब्द बनता है। जैसे पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठाकुराइन। तो अभी हम देखते हैं छठा नियम, कई पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बिल्कुल भिन्न या नया होता है, यानी कि अलग होता है। जैसे पिता माता, वर वधु। सातवां नियम है, कई पुल्लिंग शब्द में आनी प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे जेठ जेठानी, सेठ सेठानी। जेठ पुल्लिंग शब्द में आनी प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाया गया है जेठानी, और वैसे ही सेठ में आनी प्रत्यय जोड़कर सेठानी यह शब्द बन जाता है। अब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे छात्र छात्रा, पड़ोसी पड़ोसिन, धोबी धोबिन, नायक नायिका, विदुर विधवा, नर नारी, लेखक लेखिका, राजकुमार राजकुमारी, युवक युवती, श्रीमान श्रीमती, दोस्त सहेली, बुड्ढा बुढ़िया, दादा दादी, चाचा चाची, पति पत्नी, जेठ जेठानी, बंदर बंदरिया, देवर देवरानी, वर वधू, सेठ सेठानी, ग्वाला ग्वालिन, बादशाह बेगम, हिरण हिरणी, शिक्षक शिक्षिका, सेवक सेविका, प्रचारक प्रचारिका, मोची मोचिन, गोप गोपी, खाट खटिया, नाग नागिन। यह सारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के उदाहरण है। जो आशा करती हूँ कि लिंग और लिंग के प्रकार आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।